तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय नमस्ते आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, चाहे आप किसी में भी पढ़ते हो, बीए पढ़ते हो, बीकॉम पढ़ते हो या बीएससी पढ़ते हो, ठीक है, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, ठीक है, सभी के लिए वीडियो काम में है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर वन से लेकर के आइट तक आपको क्या क्या पढ़ना है रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, वो जानेंगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी ऑनर्स से हो, सभी का क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको सेमेस्टर 1 to 8 में, वो जानेंगे। अब बोलिएगा किस सेशन के लिए है, तो ये सभी सेशन के लिए है, 22, 26, 23, 27, 24, 28 से आने वाले जितना भी सेशन है उन सभी के, जब तक कि सिलेबस चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सिलेबस है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे, ठीक है। पहला सेमेस्टर तो देखते हैं, टोटल आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, 8 सेमेस्टर होगा। हालांकि बोला गया है कि ये ग्रेजुएशन 4 साल का है, लेकिन यह 4 साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी झारखंड में स्पेशली जो यूनिवर्सिटी है, 4 साल का है तो 4.5 साल, 5 साल लगा देगा। 3 साल ग्रेजुएशन था, हम लोग को 3.5 साल लगा दिया था, ठीक है। तो आप लोग को 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 4.5 साल या फिर 5 साल बोलिए, पूरा सर्टिफिकेट आते आते 5 साल लग जाएगा, ठीक है। मजाक समझते हैं, एक मिनट, मेरा बैटरी थोड़ा कम है यार लैपटॉप में, कितना है देख लेते हैं, चलेगा ना, 35 है, चलिए जल्दी से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर 2 में 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल कितना 6 6। पहला फर्स्ट ईयर में जानेंगे, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, ठीक है। इसमें पहला पेपर है AAC Paper 1, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर, ठीक है, या फिर हिंदी, जो चुनना है आप चुन सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ये सभी के लिए कंपलसरी है। फिर है हमारे यहाँ पे कंपलसरी, मतलब सभी को रखना पड़ेगा, वैल्यू एडेड कोर्स BAC Paper 1, ठीक है, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, किसी एक को चुनना होता है आपको, ठीक है, ये सभी के लिए रखना होगा। फिर है हमारा SAC का पेपर 1 होता है, इसमें भी सभी को रखना होता है। उसके बाद MDC पेपर सबका अलग अलग होता है, ठीक है, माइनर पेपर भी सबका अलग अलग होता है, और एक होता है मेजर पेपर, इसी को बोलते हैं ऑनर्स पेपर, जो आप ऑनर्स कर सकते, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, कॉमर्स, अकाउंट्स ऑनर्स, ठीक है, बायोलॉजी ऑनर्स, जो सॉरी जूलॉजी ऑनर्स, तो जो भी ऑनर्स है यही मेजर पेपर है, ठीक है। और मेजर पेपर पूरा का पूरा ग्रेजुएशन करते टाइम आपको पूरा 20 मेजर पेपर देना पड़ेगा, कई को 20 खाली मेजर पेपर रहेगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में ये सारे 6 पेपर, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा सेमेस्टर, देखिए एक बार देख लीजिएगा ना कि आपको कुछ सेमेस्टर 8 तक क्या क्या पढ़ना है, तो आपके माइंड में ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 आते हैं तो आपका AAC Paper 2 आता है, ठीक है, ये भी सबके लिए है, इंग्लिश या हिंदी, जनरली इसमें इंग्लिश को ही रखना होगा सेमेस्टर 2 में, ठीक है, पिछले बार तो वही रखना था, लेकिन इस बार से क्या होगा चलिए देखते हैं, जब एग्जाम होगा उस टाइम पे पता चलेगा। SAC पेपर ये सभी के लिए कंपलसरी है, उसके बाद MDC पेपर सेमेस्टर 2, ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा जिसमें एक चुनना रहेगा। आगे आता है आपका माइनर पेपर, सभी का अपना अपना अलग अलग रहता है, मेजर पेपर सभी का अपना अपना रहता है, यहाँ पे मेजर पेपर 2 और 3 2 मेजर पेपर हो जाएगा, ठीक है, एक पेपर यहाँ पे घट गया, VAC का पेपर जो सेमेस्टर 1 में था यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसके स्थान पे मेजर पेपर 3 आ गया, ठीक है, तो 2 मेजर पेपर सेमेस्टर 2 में। अब आते हैं सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 3 में आपका AAC Paper 3 आएगा, इसमें आपको कोई भी एक ट्राइबल लैंग्वेज चुनना होगा, ठीक है, वही लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल वाला, कोई भी एक भाषा का पेपर चुनना होगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे, और ये जो जितना भी AAC पेपर है ना, ये आपको 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन आता है आपका SAC का पेपर, SAC पेपर सेमेस्टर 3, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है सभी के लिए। फिर आता है MDC पेपर, MDC में सबका अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन रहता है, किसी एक को चुनना होता है, तो जनरली बच्चा लोग ह्यूमन राइट्स को चुनता है, ठीक है, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। फिर आता है आपका Minor Paper 1B, ठीक है, Minor Paper 1B, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 में था Minor Paper 1A, ठीक है, सेमेस्टर 2 में आपका आता है Minor Paper 1B, सॉरी यहाँ पे Minor Paper 2A, और यहाँ पे आएगा Minor Paper 1B, ठीक है, तो यानी कि तीनों सेमेस्टर में माइनर पेपर रहेगा। उसके बाद मेजर पेपर भी 2 रहेगा इसमें, सेमेस्टर 4 में 3 में भी 2 मेजर पेपर, मेजर पेपर 4 एंड 5, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे,
तो एक ऐसी सेक तीन चार पांच छह, यानी कि सेमेस्टर थ्री में भी आपका 6 को पेपर, कुल मिला के आपने 18 पेपर सेमेस्टर थ्री तक दीजिएगा। सेमेस्टर फोर में आपके कितने पेपर हैं पहले वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेमेस्टर फोर में भी आपका 6 को पेपर, ठीक है। सेमेस्टर वन से फोर तक सब में 6-6 को पेपर है, 6-6 को विषय, ठीक है, 6 सब्जेक्ट। अब सेमेस्टर फोर में आपको पढ़ना है एसी पेपर थ्री, बोलिएगा यहाँ पर भी तो एसी थ्री था, हाँ यहाँ पर भी एसी थ्री है, लेकिन यहाँ पर भी एसी थ्री लिखा है, और लैंग्वेज इलेक्टिव मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और इसमें भी आपका लैंग्वेज वन है और यहाँ पे इलेक्टिव लैंग्वेज है। अब डिटेल में जब सब्जेक्ट पढ़िएगा तब पता चलेगा, यानी कि एसी पेपर यहाँ पर भी है, बैक पेपर यहाँ पे आता है सेमेस्टर फोर में। सेमेस्टर वन में था आपका एक बैक पेपर, याद कीजिए, देखिए ये है बैक वन, और बैक टू आपको फिर कहाँ मिलता है, एक बार बैक टू मिलता है सेमेस्टर फोर में, ठीक है। तो बैक पेपर रहेगा एसी पेपर रहेगा सेमेस्टर फोर में, माइनर पेपर रहेगा, मेजर पेपर यहाँ पे आपका 3 को हो जाता है, मेजर पेपर 6 7 8, ठीक है, मेजर पेपर यहाँ पे कितने हो जाते हैं 3। यहाँ पे आपका सेमेस्टर फोर में देखिए तो सेक पेपर नहीं मिलता है आपको, ठीक है, सेक पेपर का स्थान एक मेजर पेपर ले ले रहा है, यानी कि आप 3 को मेजर पेपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे सेमेस्टर फोर तक आते आते 24 को पेपर का आप एग्जाम दे चुके हैं टोटल चारों सेमेस्टर मिला के। सेमेस्टर फाइव में जैसे ही आप आते हैं तो आपका आता है माइनर पेपर 1C, ठीक है, पहले ही अब ऐसे पेपर भी आपका हट गया, तो माइनर पेपर 1C आता है। फिर आपका आता है मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, यानी कि 3 को मेजर का पेपर। उसके बाद एक पेपर आता है IAP, ठीक है, ये आई का फुल फॉर्म होता है इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप फील्ड वर्क, और बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये IAP का एक सब्जेक्ट नया जुड़ जाता है। कुल मिला के सेमेस्टर फाइव में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 और 3 4 5 को सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट कम हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 ही सब्जेक्ट है सेमेस्टर फाइव में, ठीक है। सेमेस्टर फोर तक 24 को सब्जेक्ट था, 6-6 को पेपर का, सेमेस्टर फाइव में आपके 5 सब्जेक्ट पढ़ने, माइनर पेपर 1C, मेजर पेपर 3 को रहेगा, और एगो 1AP का पेपर रहेगा, ठीक है। अब जैसे आप सेमेस्टर 6 आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 ही पेपर रहना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि सेमेस्टर 5 और 6 यानी कि तीसरे साल में आपको 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो है आपका सेमेस्टर 6 में यानी कि तीसरे साल में माइनर पेपर रहेगा 2C, फिर रहेगा मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 15 एंड 15, यहाँ पे अब आपको 4 को मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे आपका केवल मेजर पेपर ही पढ़ाएगा। तो ये रहा आपका सेमेस्टर 6 का सिलेबस, जिसमें आपको 4 को मेजर पेपर पढ़ना है और एक माइनर पेपर पढ़ना है, ठीक है, ये देख लिए, ये रहा सेमेस्टर 6 तक का। तो यहाँ तक आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े, सेमेस्टर 4 तक 24 को, और सेमेस्टर 5 और 6 मिला के 10 को, यानी कि 24 और 10 34 को पेपर का आप एग्जाम दे दीजिएगा सेमेस्टर 6 तक जाते जाते, ठीक है। छठा सेमेस्टर यानी कि 6 को सेमेस्टर तक आप 34 पेपर का एग्जाम देना है। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर 7 एंड 8, अंतिम दो सेमेस्टर, इसमें आपका कितना पेपर है। तो सेमेस्टर 7 में आपके एक पढ़ना है आपको माइनर पेपर 1D, ठीक है, सेमेस्टर 7 में, और बाकी सब आपके मेजर पेपर रहेंगे, 1 2 3 4 को मेजर पेपर, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 7 में भी आपके 5 पेपर हैं और सेमेस्टर 8 में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 पेपर रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे AMJ मिल जाएगा, यानी कि सेमेस्टर 1 से 4 तक आपके 24 को पेपर है, 6-6 को, ठीक है, 2 साल, प्रथम 2 साल आपके 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और तीसरा और चौथा साल आपके 5-5 सब्जेक्ट करके पढ़ने हैं, ठीक है। कुल मिला के आपका सेमेस्टर 1 2 3 4 में 6-6 सब्जेक्ट यानी कि 24 को सब्जेक्ट हो गया टोटल, ठीक है, टोटल कितने 24 सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 तक आते आते। वहीं पे जैसे हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर, आप आ जाते हैं 4 के बाद 5 6 7 8, इधर आपका 20 को सब्जेक्ट, 24 और 20 44 को पेपर का टोटल एग्जाम देना पड़ेगा, कितना पेपर 44 को पेपर, 8 साल में एग्जाम दीजिएगा 44 पेपर का, ठीक है, तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अब देखते हैं तो सेमेस्टर 7 में आपका आता है माइनर पेपर 1D, ठीक है, माइनर फ्रॉम ये वाला डिसिप्लिन है, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1, ठीक है,
और आपका यहाँ पे आता है मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, मेजर पेपर 18, मेजर पेपर 19, ठीक है। ये आपके होते हैं सेमेस्टर 7 तक, मेजर पेपर 19, और अंतिम मेजर पेपर रहेगा आपका 20। 20 को मेजर पेपर पढ़ना है, 44 को पेपर में से 20 को आपका मेजर है, और बाकी 24 को अलग अलग पेपर है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा आता है सेमेस्टर 8 में MN 1D का पेपर। अरे यार पानी दे रहा है, चलिए बाद में घुसा लेंगे, कुछ कपड़ा है। तो MN 1D का पेपर है, सॉरी MN 2D सेमेस्टर 8 में, और यहाँ पे मेजर पेपर 20, और ये आपका कुछ अलग पेपर है AMJ, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मेजर पेपर, ठीक है। अब आपको एडवांस करना है और यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा फील्ड में जाकर। और एक था ना फील्ड वाला, कहाँ गया आपका ये वाला, ठीक है, IAP, इसमें आपको फील्ड में जाना होगा। फील्ड मतलब दोस्तों आपको भ्रमण करना होगा, हो सकता है आपको गांव का प्रोजेक्ट दे तो आपको गांव जाना होगा, हो सकता है आपको शहर का प्रोजेक्ट दे, हो सकता है आपको NGO का प्रोजेक्ट दे तो आपको उस NGO में जाना होगा, ठीक है। मतलब आपको घूमना होगा, एकदम प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है। और इसमें आपको इस तरह से प्रैक्टिकल करके भी मार्क्स दिया जाएगा। तो ये आपके 3 को पेपर रहेगा और इसमें आपको मजा भी आएगा, ठीक है, कि चलो यार कम से कम घूमने का तो मौका मिल रहा है, ठीक है, घूमिएगा और कीजिएगा। तो ये आपका टोटल मैं बता दिया कि अभी तक आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। टोटल क्रेडिट की बात करें तो आपको 160 क्रेडिट पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स का, ठीक है। एक क्रेडिट में 25 मार्क्स होते हैं, एक क्रेडिट में 25 मार्क्स, तो 16 क्रेडिट में कितना होगा, एक क्रेडिट में 25 मार्क्स, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको टोटली बता दे रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन में टोटल कितने मार्क्स का होगा। ऐसा सच बता रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं किया होगा कि कितना नंबर का हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, कितने पेपर होंगे, ठीक है। ये मैं आज सोचा कि यार बता देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि मतलब दूरदर्शिता दे दूं आपको, फ्यूचर का नॉलेज दे दूं कि भाई कितना मार्क्स का होने वाला है पूरा ग्रेजुएशन आपका। तो देखिए, एक क्रेडिट में होता है आपका, ये जो 4 क्रेडिट लिखा है ना, 4 क्रेडिट का जितना भी सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। यानी कि एक क्रेडिट में होता है आपका 25 मार्क्स, एक क्रेडिट में कितना नंबर, 25, एक क्रेडिट में 25 नंबर, टोटल आपका 160 क्रेडिट का पेपर रहेगा पूरा का पूरा ग्रेजुएशन। अब एक क्रेडिट में 25, यानी कि 160 क्रेडिट को 25 से गुना कीजिए तो आपका आएगा 4000, कितना आएगा 4000, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है 4000 नंबर का है, ठीक है। और 4000 में आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो 4×6=24, यानी कि 4×6=24, 2400 नंबर अगर आप लेते आइएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा 4000 में, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स का होगा ग्रेजुएशन आपका, 4000 नंबर का, कितना साल का, 4 साल का लिखा है लेकिन आपका 5 साल लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। टोटल कितना पेपर होगा, तो टोटल आपका 44 को पेपर होगा, 4 साल में कितना पेपर, 44 पेपर, समझ गए हैं। पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया, अरे यार बैटरी खत्म हो गया भाई, सॉरी, वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा नहीं तो और भी गप मारते हम लोग। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, शुभ नवरात्रि, ठीक है। आप सभी देखे मेला वाला, हम भी घूमेंगे यार, बाय। और इसको ऑफ कर देते हैं, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कीजिएगा तो फायदा रहेगा मेरा भी और आपका भी। बाय।